इस समय हर कोई सिर्फ और सिर्फ कोरोना के खत्म होने की और सब कुछ नॉर्मल हो जाने की दुआ मांग रहा है। हालांकि जब तक सब नॉर्मल होगा तब तक बॉलीवुड से लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री का काफी नुकसान हो चुका होगा। जी हाँ, शूटिंग रुक जाने से स्टार्स और सबसे ज्यादा फिल्मों से कमाई करने वालों का बड़ा नुकसान जो हो रहा है। ऐसे में बॉलीवुड की बिग बजट मूवीज तो इस भरपाई के लिए तैयार है ही, साथ ही भोजपुरी में भी ऐसे कई स्टार्स हैं जो अपनी बड़ी फिल्मों की रिलीज से सारा नुकसान कवर कर ही लेंगे। इस लिस्ट में बात करें तो पवन सिंह सबसे आगे हैं, क्योंकि उनकी एक के बाद एक मूवीज रिलीज को जो तैयार है। तो अनलॉक के बाद कौन सी फिल्मों से भोजपुरी के बॉक्स ऑफिस में छाएगी कमाई की बहार, आइए बताते हैं आपको। महामारी का असर कम होती और सब अनलॉक होते ही पवन सिंह की जो फिल्म सबसे पहले रिलीज हो सकती है वो होगी हमार स्वाभिमान। अंजना सिंह, डिंपल सिंह स्टार इस फिल्म का सॉलिड कंटेंट होने के कारण फैंस फिल्म का इंतजार कई दिनों से कर रहे हैं। ऐसी खबरें थी कि ये फिल्म बॉलीवुड के राधे की तरह ईद पर ईदी देने आ सकती है। हालांकि इस समय जो हालात है उसे देखना रहेगा कि वाकई में ऐसा हो पाता है या नहीं। वैसे ये लिस्ट यही खत्म नहीं हुई, अभी तो पवन सिंह के धमाकों की लड़ी बाकी है, जिसमें दूसरे नंबर पर बम बनकर गिरेगी उनकी फिल्म मेरा भारत महान। मेगा स्टार रवि किशन, हॉट केक अंजना सिंह स्टारर, ये फिल्म पहले ही अपने मोटे बजट के लिए काफी सुर्खियां बटोर चुकी है और ऑडियंस भी काफी समय बाद स्क्रीन पर दो धुरंधरों की टक्कर देखने को बेकरार है। ऐसे में अगली फिल्म जो रिलीज की चौखट पर खड़ी होगी वो यही फिल्म होगी। उसके बाद थिएटर में वाहवाही लूटने और पूर्वांचल का दिल जीतने आएगी कन्नड़ ब्यूटी हर्षिका पुनाचा संग एक्टर की फिल्म हम है राही प्यार के। अभय सिन्हा यशी फिल्म्स के बैनर तले बनी इस फिल्म का फर्स्ट पोस्टर हाल ही में सामने आया है और मेकर्स की तरफ से मिले इशारे के बाद ये साफ है कि इसका ट्रेलर या टीजर भी आने वाला है कुछ हफ्तों में आपके सामने। बता दें कि ये फिल्म लंदन की खूबसूरत लोकेशंस में शूट होने की वजह से पहले ही फैंस में काफी छाई है। ऐसे में ट्रेलर के सामने आने के बाद ऑडियंस में किस तरह का माहौल बनता है ये देखने वाली बात रहेगी। अब जाते जाते बताते हैं आपको उस तीसरी फिल्म के बारे में जिसके बारे में अभी हाल ही में यशी फिल्म्स और अभय सिन्हा की तरफ से खुलासा किया गया है। ये फिल्म है घातक गर्ल सहराफ शाह, मधु शर्मा और पवन सिंह स्टारर सौतन। पवन सिंह के लंदन में जितने प्रोजेक्ट हुए उनमें से एक ये भी था। हालांकि अभी तक इसके बारे में कम ही डिटेल्स आउट की गई थी, मगर अब मेकर्स का कहना है कि जैसे ही सिचुएशन कंट्रोल आती है तो वो बिना देर के फिल्म का टीजर या ट्रेलर जरूर रिलीज कर देंगे, क्योंकि इस समय ये फिल्म पोस्ट एडिटिंग फेज में है जिसके बाद ये रिलीज को एकदम तैयार हो जाएगी। इसके अलावा एक्टर के रितेश पांडे संग साइको सैया, क्यूट एक्ट्रेस काजल राघवानी संग धर्मा और न्यू इंडिया जैसी एक दो और फिल्में उनके पाइपलाइन में मौजूद है, मगर ऊपर बताई ये पवन सिंह की वो फिल्में हैं जो जबरदस्त थीम और हाई लेवल होने के कारण रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस और भोजपुरी इंडस्ट्री में एक नया और तगड़ा धमाका साबित होंगी। अब देखते हैं कि कब कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगता है और पवन सिंह की धांसू मूवीज की ट्रेन कितनी तेजी से आगे बढ़ती है। तो भाई, हमारी बताई फिल्मों में से आपको कौन सी फिल्म का है सबसे ज्यादा इंतजार, ओपिनियन बॉक्स में जरूर बताइएगा अपनी राय। पूर्वांचल लाइव की ऐसी ही लेटेस्ट और चटपटी अपडेट्स और गॉसिप के लिए बने रहिए अपने फेवरेट चैनल पूर्वांचल लाइव के साथ।